स्वागत है आप सभी का आज की एक और न्यू वीडियो में और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्मार्ट सुजुकी एस क्रॉस के बारे में जो की प्रीमियम फाइव सीटर एसयूवी है और अपने सेगमेंट में जैसे की कुशेक है के, एम जी एसटर हो गई एक्स यूवी थ्री डब्लू हो गई वॉक्स वैगन टाइगो ने इन कार को एक कम्प्लीट करती है और ये गाड़ी सिर्फ पेट्रोल में आती है बी एस सिक्स के बाद डीजल इंजन ऑप्शन था वो बंद हो गया जो कि बहुत अच्छा सेल आउट होता था और ये गाड़ी आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों में मिलती है ऑटोमेटिक में इसमें आपको टॉक कन्वर्टर गेयरबॉक्स मिल जाएगा बाकी लोगों का कहना है कि इस गाड़ी की जो सेलिंग है वो इसलिए कम हो चुकी है कि ये गाड़ी अपनी जो कंप्यूटर कार है उनके हिसाब से वैसे फीचर्स आपको प्रोवाइड नहीं करती है जी हाँ, यहाँ पर आपको वैसे फीचर्स तो नहीं मिल पाते बहुत एडवांस जो फीचर्स हैं वो नहीं मिलते लेकिन अगर प्राइस प्राइस की बात करूं, तो अपने जो कार है उनके हिसाब से इसका काफ़ी कम है मतलब इसका जो बेस मॉडल है वो आपको ऑन द रोड अराउंड दस लाख रुपए तक का पड़ जाता है और ये जो मॉडल आप देख रहे हो ये अल्फा मॉडल है मतलब मैनुअल में टॉप वेरियंट जिसमें आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं ये आपको ऑन द रोड पड़ जाता है तेरह लाख सात हजार रुपए तो मतलब उनके प्राइस के हिसाब से काफी अच्छा है वहीं अगर उनके बेस मॉडल की बात करो तो वही आपको साढ़े ग्यारह बारह लाख रुपए तक पड़ते हैं किसी भी गाड़ी की अगर मैं बात करता हूँ तो उनके हिसाब से गाड़ी काफी सस्ती है और अपने प्राइस के हिसाब से फीचर्स भी यहां पर आपको ठीक ठाक दे देती है बाकी इसकी जो ड्राइव क्वालिटी है ड्यूरेबिलिटी है हैंडलिंग है सब चीज यहाँ पर आपको अच्छी मिल जाती है बिल्ड क्वालिटी भी यहाँ पर आपको अच्छी मिलेगी और गाड़ियों के मुकाबले बाकी लुक्स की बात करते हैं सबसे पहले एक्सटीरियर की हम बात करेंगे तो यहाँ चाबी शुरुआत करते हैं तो इस तरह से यहां पर आपको की मिलती है जिसमें आपको लॉक अनलॉक का जो बटन है वो मिलता है और फ्रंट से बात करें तो हेडलैम्प की बात करें हेडलैम्स इसकी दिखने में काफी अच्छे लगते हैं मतलब जो पीछे से स्मोक की जो फिनिशिंग दे रही है ना ब्लैक कलर का जो लुक आ रहा है जो व्हाइट ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन मतलब वो बहुत प्यारा लग रहा है यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक एलईडी प्रोजेक्टर सेटअप मिल जाएगा एलईडी डी आर एल्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं हाँ इंडिकेटर आपको हेलोजिन मिलता है और जो फॉग लैंप है वो भी आपको हेलोजिन में मिलेंगे बाकी थोड़ा यहाँ पे क्रोम ट्रीटमेंट आपको मिलेगा फ्रंट की स्कीप प्लेट हो गई और क्रोम ग्रिल आपको मिलती है सुजुकी का लोगो वहीं पे आपको मिलेगा बाकी साइड की तरफ को आते हैं तो साइड का लुक कुछ इस तरह से लगता है बाकी यहाँ पे जिसके व्हील्स हैं वो काफी अच्छे लगते हैं यहाँ पे डुअल फिनिश में आपको मिलेंगे और ये 16 इंच के हैं वैसे गौर करना 16 इंच के मिलते हैं लेकिन दिखने में छोटे नहीं लगते गाड़ी के हिसाब से अगर आप गौर करना ऐसा देखने में लगता है सेवनटीन इंच के व्हील्स आपको यहाँ पे मिले तो ये चीज मुझे काफी बढ़िया लगी बाकी इनकी प्रोफाइलिंग जाने तो यहाँ पे आपको जेके के ट्यूबलेस टायर मिलते हैं और इनकी प्रोफाइलिंग हम यहाँ पर देख सकते हो टू 60R, 16 की इनमें आपको प्रोफाइलिंग मिलती है बाकी एक अच्छी बात और है कि चारों टायरों में आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं तो ब्रेक्स यहाँ पे काफी अच्छे मिल जाएंगे आपको बाकी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल आपको ओ आर भी मिलते हैं इस तरह से और टर्न इनिगेटर भी आपको इसी में मिल जाएगा रिक्वेस्ट सेंसर आपको दोनों तरफ मिलता है मतलब ड्राइवर साइड को ड्राइवर साइड दोनों तरफ आपको रिक्वेस्ट सेंसर्स मिल जाएंगे और इसमें कहते हैं ना यूवी कट क्लासेस आपको यहां पर मिलते हैं बाकी इसमें आपको 180 एट्टी mm एम का ग्राउंड क्लियरेंस है जो कि ठीक है तो शहर के हिसाब से आपको यहाँ पे इस कार में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी बाकी जो फ्यूल है वो यहाँ से फिल करेंगे और जो पीछे का लुक है कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको मिलता है यहाँ पे आपको जो एल ब्रेक लाइट मिल जाती है स्प्लिट टेल लैम मिलेंगी ब्रेक लाइट जो एल वाली वो इतनी मिलेगी बाकी जो बैक लाइट है और इंडिकेटर लाइट है वो आपको हेलोजन में मिलती है डिफॉगर आपको मिलेगा रेयर वाइपर आपको मिलता है हाई माउंट स्टॉप लैम मिल जाएगा और इस मॉडल में आपको कैमरा भी मिलता है एक अच्छी बात और है कि इसमें आपको चार पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं गौर आपकी रेट में जो नई गाड़ियां आ रही हैं फिर जो नए मॉडल्स निकाल रही है अपडेट्स निकाल रही है कंपनियां उनमें क्या है जो पार्किंग सेंसर्स है उनको कम कर रही है किसी में दो किसी में तीन दे रही है। तो एक मारुति की मुझे एक बात अच्छी लगती है हर गाड़ी में आपको चार पार्किंग सेंसर जरूर मिलते हैं बाकी दोनों तरफ रिफ्लेक्टर्स हो गए और बूट स्पेस यहाँ पर आपको वो भी बहुत अच्छी मिलती है यहाँ पे आपको 355 हंड्रेड लीटर की बूट स्पेस मिलती है जो कि काफी अच्छी है तो काफी सारा स्टफ आप यहाँ पे कैरी कर सकते हैं और गौर करना 60 सिक्सटी फोर्टी स्प्लिट सीट का जिसमें आपको ऑप्शन मिल जाएगा और इसके नीचे आप यहाँ पे जो स्पेयर व्हील है वो मिलेगा वैसे देखना तरीका अच्छा है मतलब जो जो चीज़ें दे रखी हैं वो काफ़ी अच्छी है। मतलब प्रीमियम लग रहा है काफ़ी मतलब जिस तरह से इसको आप उठाओगे या नीचे आपको स्पेयर व्हील दे रखा है साइड में आपको स्पेसिंग दे रखी है तो ये चीज़ जो दिखने में काफ़ी अच्छी लगती है और आप एक्सपेक्ट भी यही करते हो जब आप इतनी महंगी गाड़ी लेते हो तो आपको चीज़ें भी इस टाइप से मिलनी चाहिए और काफ़ी बड़ी पार्सल ट्रे भी यहाँ पर आपको मिल जाती है और गाड़ी की जो बिल्ड क्वालिटी वो भी अच्छी है मतलब एज़ कम्पेयर टू मारुति की जो और गाड़ियाँ जैसे स्विफ्ट हो गई वैगनार ऐसी जो और गाड़िया है उनके मुकाबले बिल्ड अच्छा है मतलब अगर इसके बाद डोस को अगर आप अनलॉक करते हो खोलते हो बंद करते हो तो यहाँ पर थर्ड वाली जो आवाज़ है जो डोर में हैवीनेस है जो फील आपको होता है वो चीज़ अच्छी तो यहाँ पर पता चलता है कि गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है और गाड़ी को फोर स्टार रेटिंग भी मिल रखी है मतलब बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर आपको अच्छी तो डेफ़िनेटली मिलती है यहीं से इंटीरियर की तरफ को चलते हैं और स्पेसिंग की बात करते हैं तो पहले पीछे सीट्स दिखाऊं तो इस तरह से सीट्स हैं वो आपको मिल रही है अभी अच्छे से व्यू नहीं क्योंकि अभी पैक हो रखी थी लेकिन आपको दिखाऊं इसमें आपको ये आमरेस भी मिलेगा और इसमें दो छोटे कप होल्डर मिल जाते हैं आमरेस की एक बात और अच्छी है कि कुछ गाड़ी में क्या होता है ना आमरेस क्या पूरे नीचे गिर जाते हैं इस तरह से पूरे ये जो सीट है बेंच है उसको टच करते हैं तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी बाकी फाइव सीटर ये कार है तो यहाँ पर आपको पांच लोगों के हिसाब से स्पेसिंग अच्छी मिल जाती है जैसे अभी ये सीटें थोड़ी पीछे की तरफ हो, हो रही हैं लेकिन आप देख सकते हो लग रूम स्पेस आपको यहाँ पे डेफिनेटली अच्छा मिल जाएगा और दोनों सीट के पीछे आपको पॉकेट्स मिलती है कुछ गाड़ी में क्या होता है ना सिर्फ इसी सीट के पीछे को ड्राइवर सीट के पीछे पॉकेट्स मिलती हैं यहाँ पर आपको दोनों सीट के पीछे आपको पॉकेट्स मिल जाएंगी हाँ यहाँ पे जैसे कुछ फीचर्स मिसिंग है जैसे आपको सनरूफ इस गाड़ी में नहीं मिलता है और पीछे आपको कोई ए सी वैंड नहीं मिल रहा चार्जिंग सॉकेट नहीं मिलता है और एडास जैसे जो एडवांस सिस्टम जैसे एस्टर में जो आता है वो नहीं मिलता लेकिन जिसमें कह रहा हूँ ना प्राइस वो वो बहुत मेन चीज़ है ये गाड़ी आपको तेरह लाख सात हजार रुपये में ऑन द रोड पड़ जा रही है वो गाड़ियाँ आपको जो फीचर्स आप देख रहे हो वो सब आपको पंद्रह पंद्रह सोलह सोलह लाख के मॉडल्स में मिलता है तो प्राइस में बहुत डिफरेंट है अगर आप इसका ऑटोमेटिक मॉडल भी लोगे ना तो वो भी आपको मतलब चौदह साढ़े चौदह लाख रुपये तक पड़ जाएगा और वहाँ पे आप उनको उन गाड़ी का जो मिड मॉडल है वही पड़ता है उसमें भी आपको वैसे फीचर्स नहीं मिलते तो मेरे हिसाब से ये बहुत बेहतर डील है आपके लिए सीट्स बहुत कम्फर्टेबल है इसमें आपको लेदर अपॉजटि मिल जाती है फैब्रिक सीट्स नहीं मिलेंगी लेदर वाली सीट्स मिलती हैं जो कि काफ़ी अच्छी हैं ब्लैक कलर की मिलेंगी और जो बंदा बीच में बैठेगा वो भी इस तरह से कंफर्टेबल होकर बैठ सकता है और पीछे की तरफ से जो फ्रंट का व्यू है वो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा हाँ जो डैशबोर्ड है आगे का फ्रंट की तरफ का वो मतलब बहुत फैंसी नहीं है बहुत बेहतरीन डिज़ाइन नहीं कहूँगा मैं लेकिन पूरा ब्लैक कलर का और दिखने में अच्छा लग रहा है वैसे बुरा नहीं लग रहा है अच्छा ही कहूँगा मैं बाकी डोर्स में देखना वाटर बॉटल होल्डर आपको यहाँ पे मिल जाएगा स्पीकर की प्लेसमेंट मिलती है पावर विंडो का ऑप्शन मिलेगा और गौर करना यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा ये सॉफ्ट टच मिल जाता है लेदर में खाली जो फेब्रिक वाला कपड़ा है वो नहीं मिलेगा एक प्रॉपर जो सॉफ्ट टच है वो यहाँ पर मिलता है और इस गाड़ी में आपको चार स्पीकर और दो ट्विटर्स का ऑडियो सेटअप मिलता है बाकी आगर आगर आपको अगर आपको जानना है इस गाड़ी की जो म्यूज़िक क्वालिटी ऑडियो क्वालिटी कैसी है सो so इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वहाँ पर जाओ आपको एक अच्छा आइडिया मिलेगा कि कैसी यहाँ पर आपको क्वालिटी मिल जाती है और हाँ पीछे आपको यहाँ पर भी इस तरह से लाइट का ऑप्शन मिलेगा बाकी एक चीज आपको यहाँ दिखाया था मैं बार बार भूल जाता हूँ वो चीज़ कि जो सीट बेल्ट है उसमें भी आपको इस तरह से जो हाइट एडजस्टमेंट है उसका ऑप्शन मिल जाएगा बाकी एक बार ड्राइवर सीट में चलते हैं यहाँ से सीधा तो इस तरह से यहाँ पे जो ड्राइवर सीट है उससे आपको जो कैबिन का व्यू है वो दिखता है और जो सीट्स हैं वो सीट्स यहाँ पे काफ़ी कंफर्टेबल है मतलब प्रॉपर जो बाकी टाइप सीट्स हैं वो यहाँ पे मिलती हैं तो कोई भी यहाँ पे बैठेगा बहुत कंफर्टेबल होकर आराम से बैठ सकता है और हाँ इसमें आपको इस तरह से हाइट एडजस्टमेंट का भी ऑप्शन मिलेगा और आगे आपको इस तरह से एडजस्टेबल हेड्रेस मिल जाते हैं तो प्रॉपर जो कम्फर्ट है ना यहाँ पर आपको वो मिल जाता है और डोर में देखोगे तो यहाँ पर आपको इस तरह से सॉफ्ट टच मिलेगा पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं वार के कंट्रोल मिलेंगे वाटर बॉटल होल्डर आपको मिल जाएगा स्पीकर की प्लेसमेंट आपको मिलती है ट्विटर्स की जो प्लेसमेंट है ना वो आपको यहाँ पर जो ए पिलर्स हैं उसके आगे की तरफ को डैशबोर्ड में आगे की तरफ को मिलेगी तो थोड़ी मतलब आगे की तरफ किसी से वो लगेगा कि यहाँ पे ट्विटर्स नहीं है लेकिन वो काफ़ी आगे की तरफ को दे रखे हैं और एक बार बैठ के देखते हैं यहाँ पे तो स्टेरिंग की बात करें तो स्टेरिंग का जो पकड़ने का फील है वो बहुत अच्छा है फ्लैट बॉटम स्टेरिंग व्हील तो नहीं मिलता लेकिन इसमें आपको जो लेदर की स्टिचिंग मिलती है तो पकड़ने में बहुत अच्छा फील मिलेगा माउंटेड कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं क्रूज कंट्रोल का भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा वॉइस कमांड सभी फीचर्स आपको यहाँ पर जो ऑब्वियसली मिलते हैं वो मिल जाएंगे बाकी इससे आप जो टच स्क्रीन है उसको ऑपरेट करोगे हाँ मेरे हिसाब से अगर टच स्क्रीन का कोई अपडेट हो जाता है ना इस गाड़ी में मतलब मजा आता वही टच स्क्रीन है जो एंड्रॉइड एप्पल दोनों को सपोर्ट करती है मारुति की जो नीचे सेगमेंट की गाड़ियाँ हैं उनमें भी आता है ये टच स्क्रीन तो मेरे हिसाब से जो एल्फा मतलब जो बलिनों के एल्फा मॉडल जेटा मॉडल में जो टच स्क्रीन आने लगी है ना वो अगर इसमें आती ना मतलब मज़ा आता है इस गाड़ी में बाकी यहाँ पे नीचे आपको देखना ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिलता है यू और ऑक्स का ऑप्शन आपको मिल जाएगा फोन रखने के लिए स्पेसिंग मिलती है दो छोटे यहाँ पे आपको कप होल्डर्स मिल जाएंगे आम वह इसको आप को आगे पीछे इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो और इसके अंदर आपको स्पेसिंग भी मिल जाएगी और गौर करना है इसके अंदर भी आपको दिखाऊँ मैं इस तरह से ट्वेल्व फोर का जो चार्जिंग सॉकेट है वो इसके अंदर मिलता है जैसे ज़्यादातर गाड़ी में हर गाड़ी में आपको यहाँ पर मिलेगा इसमें आपको यहाँ दे रखा है थोड़ा सा मतलब इसको हिडन चार्जिंग सॉकेट कह सकते हैं बाकी ग्लव बॉक्स की बात करें तो ग्लव बॉक्स का साइज एक्चुअल में अच्छा है डीप है मतलब तो ज्यादा वाइड नहीं है लेकिन डीप है और इसके अंदर आपको लाइट का ऑप्शन भी मिल जाएगा बाकी यहाँ पे आपको ऑलरेडी आयरवीएम मिल जाएगा इसको आप ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हो सन ग्लास होल्डर आपको मिलता है इस तरह से लाइट्स आपको फ्रंट में मिल जाएंगी इस तरह से हेलोजिन में और को ड्राइवर साइड आपको मिरर भी मिलता है और लाइट का ऑप्शन भी मिल जाएगा ये चीज बड़ी अच्छी लगी मुझे और यही सेम चीज आपको को ड्राइवर साइड की तरफ को भी मिलती है तो ये ऑप्शन मुझे बड़े अच्छे लगते हैं बाकी कार को एक बार ऑन करते हैं तो स्टार्ट स्टॉप बटन आपको यहाँ पे मिलता है आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन मिलेगा फॉग लैम का बटन आपको यहाँ पर मिलता है बाकी दो एक्स्ट्रा जो डमी बटन है आफ्टर मार्केट मोड अगर आप कुछ कराते तो यहाँ पर आप उन्हें लगवा सकते कोई बटन तो इस तरह से ऑन होगा और जो ब्लोअर का ब्लो है वो भी अच्छा है तो मतलब कैबिन कूल मेरे हिसाब से काफी अच्छे से हो जाएगा ऐसे अगर पीछे एसी सी नहीं है तो मेरे ख्याल से उसकी उतनी दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होगी बाकी एक चीज मुझे और अच्छी लगी इसे नई जो गाड़ियां आती हैं उनमें क्या जो जो ए सी वैंड है उसको कंट्रोल करने का जो ऑप्शन है वो या तो बटन्स में देते हैं फिर जो एयरप्लेन वाले जो फीचर जैसे तो बटन जैसे होते हैं उस टाइप में दे रखे होते हैं लेकिन यहाँ पे अभी भी आपको इस तरह से डायल दे रखा है थोड़ा ओल्ड फैशन टाइप में तो ये चीज मुझे अभी भी अच्छी लगी इस तरह का जो बटन होता है जो ऑप्शन होता है ना डायल का ये देना ही चाहिए ये मतलब अच्छा लगता है बाकी स्टेयरिंग जो एडजस्टमेंट है यहाँ पर आपको टिल्ट मिल जाता है और टेलीस्कोपिक का ऑप्शन भी मिल जाएगा तो मतलब दोनों अपनी रीच के अनुसार इस चीज़ को आप एडजस्ट कर सकते हो बाकी यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक वाइपर से कंट्रोल मिल जाएंगे ऑटोमेटिक हेडलैम्स के कंट्रोल मिल जाते हैं स्पीडोमीटर इस तरह से लगता है जो कि सिंपल है लेकिन दिखने में अच्छा लग रहा है और बीच में ट्रिप मीटर है जो आपको और बेसिक इन्फॉर्मेशन शो करेगा जैसे फ्यूल इकोनॉमी होगी गाड़ी कितना चल चुकी है ट्रिप ए ट्रिप बी मतलब जितनी चीज़ें होती हैं वो आपको यहाँ पर शो होती हैं बाकी बता रहा था वही पुरानी टच स्क्रीन जो है आपको यहाँ पर मिलती है लेकिन जो कंफर्ट है कैबिन स्पेस है सीटिंग कंफर्ट है ड्राइविंग जो एंगल है सीटिंग पोजिशन मतलब जितनी भी चीज़ें सब आपको यहाँ पे अच्छी मिलती है और गाड़ी बहुत अच्छी है लॉन्ग लास्टिंग है बहुत लंबे समय तक चलती है अगर आप इसे अच्छे से ड्राइव करोगे फ्यूल इकोनॉमी आपको अच्छी निकाल देती है माइलेज की बात कर लूँ तो कंपनी इस कार पर नाइनटीन का माइलेज क्लेम करती है तो मतलब शहर के अंदर आपको अगर ए में गाड़ी को अगर आप चलाते तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर तेरह तक का माइलेज तो मिल ही जाएगा बाकी मैं श्योर हूँ कि गाड़ी आपको बहुत आराम से बीस से इक्कीस तक का माइलेज हाईवेज़ में निकाल के देगी बाकी अब इंजन की माइलेज की बात हो गई तो इंजन की तरफ को चलते हैं यहां से इसका बोनट खोलते हैं तो इसका बोनट काफी हैवी है मतलब बहुत ही हैवी कहूंगा इसको मैं और यहां पर आपको मिलता है मतलब काफी रिफाइंड 1.5 लीटर का फोर सिलेंडर पेट्रोल इंजन मतलब ये और गाड़ी की तरह हजार सीशी में नहीं मिलता हज़ार सीसी में क्या दिक्कत आती है जब भी आप गाड़ी को जब खड़ी गाड़ी होती है उसका आप उठाते हो तो वहाँ पर जो वाइब्रेशन जो फील होते हैं ना वो मिलता है आपको यहाँ पर ऐसी दिक्कत नहीं है फोर सिलेंडर इंजन है तो काफ़ी स्मूथ है और माइलेज भी यहाँ पर आपको अच्छा मिल जाता है नीचे गौर करना अंडर बॉडी प्रोटेक्शन भी यहाँ पर आपको मिलती है और ये इंजन प्रोड्यूस करता है 103 हंड्रेड थ्री बी एच पी एंड वन सेवेंटी फाइव मीटर ऑफ टॉक जो कि गाड़ी के हिसाब से अच्छी पावर है गाड़ी का जो वेट है साढ़े ग्यारह सौ किलो है तो उस हिसाब से यहाँ पर आपको अच्छी पावर मिलती है और चलाने में भी आपको ऐसा फील मिल जाएगा मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि यार गाड़ी में उतनी पावर आपको नहीं मिल रही है तो ओवरऑल देखा है एक अच्छा पैकेज है प्राइस के हिसाब से तेरह लाख रुपये अगर आप पे कर रहे हो तो वहां पर आपको अच्छी फीचर्स मिल जाते हैं ऑटोमेटिक लाइट्स हो गई कैबिन स्पेस आपको बूट स्पेस आपको अच्छी मिल जाती है इंजन आपको अच्छा मिल जाएगा ठीक ठाक फीचर्स यहाँ पर आपको जो क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स हैं सभी यहाँ पर आपको मिलते हैं तो मेरे हिसाब से अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो ये गाड़ी आपके लिए बढ़िया सूट रहेगी बाकी जो ये वाइट आप देख रहे हो काफी अच्छा लग रहा है बहुत प्रीमियम लग रहा है इस कार में आपको सिक्स कलर ऑप्शन मिल जाते हैं हाँ ड्यूटो इफेक्ट वाला तो नहीं मिलेगा लेकिन सिक्स कलर ऑप्शन मिल जाते हैं और ये इसका आर्टिक वाइट कलर आप देख रहे हो तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना मैं आ रहा हूँ उत्तराखंड हल्द्वानी के मार्थ सुजुकी नेक्सा शुरू में यहाँ पे सारी गाड़िया अवेलेबल है तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में देख रखा है अगर आपको कुछ और चीज जाननी है तो इनको आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो बाकी अगर आपकी कोई भी क्वायरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो मिलता हूं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम